गाइस क्या हालचाल, वेलकम बैक टू इंडियन सोल्जर वन। क्या तुम लोग वेट कर रहे हो प्लेस्टेशन 5 के रीस्टॉक का? क्या तुम लोग वेट कर रहे हो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स के रीस्टॉक का? क्या तुम लोग वेट कर रहे हो एनवीडिया के आरटीएक्स 3060 जैसे ग्राफिक्स कार्ड्स के प्राइस कम होने का, या एएमडी के ग्राफिक कार्ड के जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं उनके कम होने का? और अगर तुम में से कोई मोबाइल एंथुजियास्ट हैं, सैमसंग के या वन प्लस के फ़ोन्स लेना चाहते हो और तुम देख रहे हो भाई इनके तो रेट ही बढ़ते जा रहे हैं, अगर तुम लोग ये सारी चीज़ें सोच रहे हो तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ भैया कि क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में ग्लोबल चिप शॉर्टेज की रीज़न क्या है और क्यों हर एक गेमिंग कंसोल या गेमिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है, क्यों गेमर्स के ऊपर इस सब की गाज गिर रही है। भैया ये देखो, सबसे पहले अमेज़ॉन के ऊपर PS4 अवेलेबल हो चुका है, PlayStation 4 1TB स्लिम बंडल विद स्पाइडरमैन, GTA 4, रैचेट एंड क्लैंक एंड PSN 3 मंथ्स, मतलब कि 3 गेम वाला बंडल बेसिकली 29,990 रुपये का, जो कि 2019 से भी महंगा है। 2019 में भी इसके प्राइस जो थे वो कम थे, बट अब ऐसा क्या हो गया कि भैया PS4 अब वापस आई है इतने टाइम बाद स्टॉक में, प्राइजेज इतने ज़्यादा है। मैंने ये बोला था, तुम लोगों ने ये सवाल पूछा था कि PlayStation 5 की लॉन्च के बाद क्या PlayStation 4 के प्राइजेस कम हो जाएंगे, मैंने डेफिनेटली बोला था कि हाँ हो जाएंगे, लेकिन हुए नहीं। क्या हो गया भाई, क्या PlayStation 5 मार्केट में अवेलेबल नहीं है इसलिए नहीं हुए? तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले आप ये पढ़ो, दिस इज द मेन रीजन, अ ग्लोबल चिप शॉर्टेज इज द मेन कल्प्रिट फॉर द एंडलेस प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड स्टॉक्स अवेलेबल फॉर PS5 एंड Xbox सीरीज एक्स। Xbox सीरीज X इंडिया में जैसे ही लॉन्च होता है, जैसे ही अवेलेबल होता है किसी भी वेबसाइट पे, तुरंत आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। Xbox सीरीज S फिर भी अवेलेबल रहता है क्योंकि यार अब किसी को 2K गेमिंग कॉन्सोल नहीं चाहिए, सब कह रहे हैं भाई 4K चाहिए। अब आज 2021 में भी हमने 2K गेमिंग कॉन्सोल खरीदेंगे क्या फ़ायदा? तो यस, Xbox सीरीज S अगर कोई लेना चाहता है तो वो अवेलेबल है। बाकी PS4 अब इतने टाइम बाद अवेलेबल हुआ, प्राइसेज आप देख रहे हो। PS5 का क्या है? PS5 के बारे में बोला था कि भैया मार्च एंड में रीस्टॉक आ जाएगा। सच्चाई ये है किसी को भी नहीं पता, सोनी ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं करा कि कब आएगा रीस्टॉक, आएगा भी या नहीं आएगा। और क्या डिजिटल वर्जन 40,000 रुपये वाले जो लोग लेके बैठे हुए हैं, भैया 40,000 का बजट है, डिजिटल वर्जन लेना है, कहाँ है डिजिटल वर्जन, क्या वो इंडिया में अवेलेबल होगा भी या नहीं, किसी को भी नहीं पता। और उसके अलावा सैमसंग ने बोल दिया है भैया सीरियस इम्बैलेंस होने वाला है मोबाइल फोन मार्केट्स के अंदर, एंड आपको सैमसंग के फ़ोन्स बहुत महंगे मिलने वाले हैं, जो स्पेशली उनकी एलीट सीरीज़ है, मतलब कि गैलेक्सी एस सीरीज़ और नोट सीरीज़, ये दो जो उनकी सबसे टॉप की सीरीज़ है, इनके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और एनवीडिया ने तो ऊपर से भैया मज़े ही करा दिए, RTX 3060 इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड ग्राफिक्स कार्ड, प्राइसेस ऊपर जाते जा रहे हैं और जहाँ पे भी अवेलेबल है वो भाई चौड़े के बोल रहे हैं 5-10,000 रुपये ऊपर के, लेना है तो लो, नहीं है भैया आगे निकलो, लाइन में बहुत लोग खड़े हैं तुम जैसे, ठीक है। किसी भी शॉप पे चले जाओ, किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, हर जगह प्राइसेस बढ़े हुए हैं। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि एनवीडिया ने ये कर दिया, एनवीडिया ने पहले RTX 3060s के ऊपर माइनिंग, जो लोग क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कर रहे थे उसको सॉफ्टवेयर से लॉक कर दिया था, एक ड्राइवर अपडेट निकाला था कि भैया आप इसके ऊपर अब क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग नहीं कर सकते। लेकिन गेस व्हाट, एनवीडिया ने स्टेटमेंट दी अभी कुछ दिन पहले, यार वो ना हमसे गलती हो गई, हमने गलती से उसको अनलॉक कर दिया एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू। कैन यू बिलीव दिस, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल्स हर रोज की, और वो कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, हमने वो सॉफ्टवेयर अनलॉक कर दिया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ एक्चुअली में। ये है क्रिप्टो करेंसी के करंट प्राइसेस, इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिटकॉइन $57,000, मतलब कि देखा जाए अगर इंडियन रुपीस में इसको कन्वर्ट करो तो लगभग 42 लाख रुपीस का एक बिटकॉइन। आज से पूरे एक साल पहले मार्च 2020 जब पैंडेमिक की वजह से हमारे देश में लॉकडाउन लगा था, उस समय बिटकॉइन का रेट था 4 लाख रुपये। 4 लाख की चीज एक साल में 42 लाख की हो गई। इथेरियम जो सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, एक साल पहले मार्च में सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए की थी, आज 2 लाख के आसपास या 2 लाख से ऊपर है इंडिया में। सिमिलरली जितने भी बाकी के, जितने भी कॉइन्स आप देख रहे हो, सबके ये हाल है। क्रिप्टो करेंसी इज ऑन द बूम, क्रिप्टो करेंसी इज द नेक्स्ट बिग थिंग, यस वी गेट इट, ये चीज फैक्ट है गाइस, इसको मानो ना मानो, आंखें बंद करके बैठ जाओ, गालियां दो, हेट करो, कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि फैक्ट इज फैक्ट।
फैक्ट ये है क्रिप्टो करेंसी इज द नेक्स्ट बिग थिंग, बिटकॉइन इज द नेक्स्ट गोल्ड। और ये चीज़ आपको दिखाने के लिए मैं ये वाली वेबसाइट भी खोल देता हूँ, दिस इज़ companiesmarketcap.com। इस वेबसाइट के ऊपर जितने भी दुनिया के एसेट्स हैं उनको रैंकिंग वाइज उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब जितना पैसा वो होल्ड करते हैं उसके हिसाब से रैंक करा गया। सबसे ऊपर आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव एसेट इज़ गोल्ड, टोटल मार्केट कैप इसकी $10.9 trillion है। उसके बाद आ चुका है एप्पल सेकंड पे और वो सिर्फ $2 trillion का, मतलब गैप बता रहा हूँ मैं आपको, इसके और इसके बीच में गैप देखो $9 million का लगभग गैप है, ठीक है। उसके बाद ये सऊदी की हुई कंपनी है विच इज़ एट 1.8, देन माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, देन सिल्वर चांदी जिसे कहते हैं, एंड देन गूगल, अल्फाबेट, और उसके बाद 8th नंबर पे आ चुका है बिटकॉइन। बिटकॉइन पूरे एक साल पहले जब 4 lakh का था तो ये करीब लाइक 60s में कहीं पे था, ठीक है, 60s में। कैन यू बिलीव दिस, 60s में चीज़ एक साल के अंदर अंदर 8th रैंक पे आ गई है, 8th अफ्रीकन रैंक ग्लोबल जितने भी टॉप के एसेट्स हैं। एंड बोला ये जा रहा है कि विद इन वन ईयर 90% चांसेस हैं कि बिटकॉइन विल सरपास गोल्ड, बिटकॉइन विल बी द नंबर वन एसेट। और बोला ये जा रहा है 2 years के अंदर इट इज़ 100% सर्टन, 90% एक साल के अंदर चांस है, 100% चांस 2 साल के बाद तो डेफिनेटली गोल्ड के ऊपर होगा बिटकॉइन, ये बोला जा रहा है। अब बिटकॉइन को माइन करने के लिए फावड़े और वो सब नहीं लगते, इसके लिए लगते हैं ग्राफिक्स कार्ड, बड़े बड़े प्लांट्स जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्वर्स लगे हुए हैं, माइनिंग हो रही है। वैसे तो ASIC माइनर्स होते हैं लेकिन उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनकी चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग वो NVIDIA और AMD जैसी कंपनीज ही करवाती हैं, और वो जिन कंपनीज जिस फैक्ट्री में बनते हैं वो TSMC, Foxconn जैसी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे हमारे ये चहेते कॉन्सोल्स भी बनते हैं। तो अब बताओ अगर डिमांड 1000 ग्राफिक कार्ड की डिमांड है और आप मैन्युफैक्चर कर पा रहे हो 700-800, तो आप माइनर्स को क्यों नहीं दे। माइनर्स आपको कह रहे हैं भैया 1000 ग्राफिक कार्ड हमें चाहिए, गेमर्स आपको कह रहे हैं हमें 200 चाहिए, तो तुम गेमर्स की सुनोगे या माइनर्स की सुनोगे? डेफिनेटली बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो कंपनीज हैं वो माइनर्स की सुनेंगी, क्योंकि वो लोग पहले दिन ही उनके सारे ग्राफिक कार्ड उठा लेते हैं और वो माइनिंग करना शुरू कर देते हैं। दे डोंट केयर अबाउट गेमर्स राइट नाउ, NVIDIA डजंट केयर अबाउट गेमर्स, AMD डजंट केयर अबाउट गेमर्स, TSMC डजंट केयर अबाउट गेमर्स, Foxconn डजंट केयर अबाउट गेमर्स। ये जितनी भी कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मास प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, दे डोंट केयर अबाउट गेमर्स एनी मोर, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी माइनर्स जो हैं वो उनके एलीट कस्टमर्स बन चुके हैं। नहीं तो भाई तुम खुद बताओ ये क्या बवाल है, बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी कह रही है हमसे गलती होगी, हमने गलती से अनलॉक कर दिया। भैया गलती से नहीं करा, वो चाहते हैं कि उनके ग्राफिक कार्ड के ऊपर माइनिंग हो ताकि ज्यादा से ज्यादा माइनर्स उनके ग्राफिक कार्ड खरीदें। AMD ने तो खुला बोल दिया, AMD ने तो सिंपल स्टेटमेंट दी है, हमारे ग्राफिक कार्ड अगर आपको माइनिंग के लिए लेने हैं यू आर मोस्ट वेलकम, फैक्ट्री से उठा ले जाओ। लिटरली दे आर सेलिंग द ग्राफिक कार्ड एट फैक्ट्री रेट्स इन US माइनिंग के लिए, ले जाओ आप करो माइनिंग, गेमर्स को बाद में देखा जाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न कि हर चीज़ के प्राइस, और AMD और PlayStation 5 और Xbox सीरीज X क्यों महंगे हो रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि AMD ही इनकी चिप्स बनाता है। PlayStation 4 की भी चिप AMD बनाता है, Xbox One की भी चिप AMD बनाता है, AMD की ही चिप्स इन कॉन्सोल्स में लगी हुई है। तो AMD कहेगा कि भैया गेमर्स को रखो साइड में, पहले बनाओ ग्राफिक कार्ड, जो चाहिए माइनर्स को उनको चाहिए रोज़ के 1 million ग्राफिक कार्ड, गेमर्स को चाहिए सिर्फ 1-2 lakh। क्यों हम गेमर्स की सुने, नहीं सुनते हम, हमें बिलियंस ऑफ डॉलर जो देगा हम उसकी सुनेंगे, पैसा बोलता है भाई दुनिया में। और आई थिंक आप इस बात से बहुत अच्छे से रूबरू हो गए। तो दिस इज़ द रीज़न भाई मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता था इस वीडियो के थ्रू कि हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। इसके बारे में ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते सिवाय वेट एंड वॉच कि कब ये चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, कब प्राइजेस नीचे आएंगे। लेकिन मैं आपको सही बताऊँ, चांसेस बहुत कम है कि बहुत जल्दी प्राइजेस नीचे आएंगे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग जो माइनिंग के प्राइजेस हैं, जो मतलब क्रिप्टो करेंसी के अपने आप में प्राइजेस हैं, वो इतने ऊपर चले जाएंगे जिसकी वजह से माइनिंग लोग करना शुरू कर देंगे। डेफिनेटली ये होता है हमेशा, 2017 में भी हुआ था एंड दिस इज़ नो डिफरेंट। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है तो आपको समझ में आएगा, और आपको अच्छी लगी ये इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज आई डोंट सी एनीवन एल्स, किसी और स्पेशली कुछ गधों में तो इतना दिमाग भी नहीं होता बकवास करने के अलावा, तो तुम लोग समझ ही गए होगे। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बिकॉज नोबडी एल्स इज़ गिविंग यू दिस इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग। और साथ में भाई
मिलते हैं ऐसी कोर्स ऑफ दिस वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।